जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं कटौली बुज़ुर्ग के अंदर और ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये मदरसा फ़क्रुल इस्लाम है, स्कूल है और ये बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और पिछले मेरे ख़्याल से 3-4 दिनों से ये पानी भरा है और ये बच्चे आ रहे पढ़ने के लिए। और जब ये बच्चों से आगे फ्यूचर में ये स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ है और जब ये बच्चों से इनके भविष्य में कभी इनसे ये सवाल किया जाएगा कि बेटा तुमने शिक्षा कैसे हासिल की, तो शायद मेरे बच्चे ये बच्चे कहेंगे कि भैया हमने पानी में तैर के शिक्षा हासिल की है। ये बेटा ये कब से पानी भरा है यहाँ पर, कितने दिन से भरा है? हाँ, तीन दिन से तुम लोग ऐसे ही पानी में आते जाते हो? अच्छा, ये देखिए, अब ये बताइए, ये तो बड़ा बच्चा है, देखिए एक छोटा सा भी बच्चा आ रहा है सामने, मासूम बच्चा, उसके घुटनों तक पानी है। तो क्या यही स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश है? क्या यही विकास है? और विकास, बाप रे बाप, विकास विकास की बात बात में की जाती है तो विकास इतना पागल हो गया है कि ये देखिए घुटनों तक रोड पे पानी बह रहा है, विकास इतना उबल के सामने आ रहा है। और ये विकास है हमारे क्षेत्र के जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं संगीता आज़ाद, उनका ये विकास है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक अरविंद पप्पू आज़ाद का। अब बताइए, इन्होंने अपने लालगंज विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास कर दिया कि विकास पागल होके रोडों पे उतर आया है और बहने लगा है। अब मैं आपको यहाँ पर और दिखाता हूँ, देखिए कुछ बच्चे और आ रहे हैं। अब ये बताइए कि ये गंदा पानी जो यहाँ वहाँ से निकल के रोडों पे आता है, इस गंदे पानी के अंदर बच्चे ठेवने भर पानी में, घुटने भर पानी में पढ़ने आते हैं। अब अगर ये बच्चे बीमार पड़ते हैं या उनके साथ में, देखिए ये आप गाड़ी देखिए ये हाल है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये अपने आप में एक सवालिया निशान आता है। अब ये बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। और ये पानी थोड़ा मोड़ा नहीं भरा, देखिए आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी, ये देखिए ये पूरा पानी पानी है। देखिए पेरेंट्स अपने बच्चों को लाके छोड़ रहे हैं, यानी मदरसे के गेट, मस्जिद का गेट, उसके आगे तक चले जाएं। और ये पिछले 3-4 सालों से सिर्फ लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि बस 15 तारीख को बन जाएगा, 10 तारीख को बन जाएगा, 8 तारीख को बन जाएगा। और ये बच्चे लोगों ने, देखिए जब ये पानी नहीं निकल रहा था तो ये बच्चों ने ये यहाँ पर थोड़ा सा ये दीवार को तोड़ा है रोड को, ताकि पानी पूरा इसमें उतरे। अब देखिए आप, इसमें भी अच्छा खासा पानी उतर चुका है। ये देखिए विकास कितना पागल हो गया। बेटा ये जो रास्ता, ये जो ये टूटा है, जो ये आप लोगों ने तोड़ा है, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर भी तोड़ा गया। ये कितना पानी था यहाँ पर? पानी इतना पानी था, केवने से ऊपर पानी था। कितने दिन से है ये पानी? तकरीबन ये जो बरसात जुम्मे के दिन चालू हुआ है उसी दिन से पानी। तो आपके जो ये इस एरिए के जो विधायक है पप्पू आजाद जी, तो इतने क्या बताएं, विधायक अगर दिख जाए इधर तब बताते उनको। और सांसद, सांसद मिल जाए तब ना बताएं, इसी पानी में पैदल घुमाएंगे उनको। वो तो कह रहे हैं कि इतना विकास कर दिए कि विकास पागल होके रोड पे बह रहा है। मोबाइल में विकास कितना हो रहा है, है ना? हाँ, यानी आप मानते हो कि विकास पागल होके बह रहा है? विकास बहुत ज्यादा हो गया, ये पानी की तरह बह रहा है। बह रहा है ना, धन्यवाद। तो ये सुना अपने बच्चों से, देखना ये है कि जनता की इस पे क्या राय होती है। कमेंट में जरूर इसका जवाब दें कि ये विकास है कि इस क्षेत्र का सर्वनाश है। अब 2022 के इलेक्शन में आपको तय करना है कि आपको कैसे विकास पुरुष चाहिए, ऐसे ही चाहिए कि कुछ इससे और बढ़कर चाहिए।